प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद लिया। उमा भारती इन दिनों बद्रीनाथ और केदार घाटी के भ्रमण पर पहुंची हुई है। उमा भारती ने साल 2016 में केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद 3 दिन तक केदारपुरी में साधना की थी। तस्वीरें सामने आई हैं जहां खुशहाली और समृद्धि की दुआ भी मांगते हुए नजर आई उमा भारती। और आपको बता दें कि वो बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों के ही दर्शनों के लिए पहुंची हुई है। टिहरी में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी के जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने कहा कि 951 बूथों पर मेरे परिवार भाजपा परिवार हर घर भाजपा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और घर घर जाकर मिलेंगे, जिसमें स्टीकर लगाएंगे और झंडा भी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा 60 सीटों पर काबिज है और आने वाले समय पर भी हम विजयी होंगे और प्रदेश के कामों को देखते हुए हम 2022 में भारत जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। टिहरी में 951 बूथों पर आज से मेरा परिवार भाजपा परिवार हर घर भाजपा का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता बूथों पे जाकर के अपने भाजपा परिवार से मिलेंगे। वहाँ पर एक हमारा स्टिकर है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार हर घर भाजपा, और वहाँ पर झंडा लगाएंगे। बाकी हमारे पास पत्रक हैं, उसमें उत्तराखंड का विकास भाजपा के साथ और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये वाले हमारे नए पत्रक आए हैं। कांग्रेस सेवा दल के कोषाध्यक्ष रहे स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता की श्रद्धांजलि सभा में राजस्थान से कांग्रेस विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया पहुंचे, जहां स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित भी किया गया। रुड़की के आदर्श नगर स्थित एक वैंकट हॉल में आयोजित बैठक में विधानसभा प्रभारी एवं राजस्थान से कांग्रेसी विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने कहा कि भाजपा के राज में महंगाई बढ़ी है, आमजन का जीना मुहाल हो गया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जगह जगह घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारी मतलब कि ऊपर की हमारे नेतृत्व ने कृष्णा पूनिया जी को रुड़की गद्दी विधानसभा में भेजा है, और क्योंकि अब चुनाव का दौर है, 2022 में चुनाव है, तो उसी दौर के तहत ये कैंडिडेट जो हमारे सभी लोग टिकट जो लोग मांग रहे हैं तो उन्हीं के तहत में मतलब उनको भेजा गया है, और वो उसमें डिसीजन करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी रुड़की के लिए। हमारे ये कांग्रेस सेवा दल के द्वारा मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री राम बिहारी गुप्ता जी को श्रद्धांजलि दी गई। दूसरा महानगर कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम था, जिसमें हमारी राजस्थान की विधायिका श्रीमती कृष्णा पूनिया जी ने जो है संपर्क किया। सारे जितने भी हमारे पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इलेक्शन 2022 के आ रहे हैं विधानसभा के, उसमें वो सब एकजुट होकर जो हैं कांग्रेस को मजबूत बनाएं, और जो भी कांग्रेस प्रत्याशी जितने भी प्रत्याशी की दौड़ में हैं, टिकट की दौड़ में हैं, हो सकता है आप गुट वाइज उनके विचारों से समर्थन खाते हैं। कांग्रेस तभी है जब माननीय अध्यक्ष जी जिसके नाम से मोहर लगाकर यहाँ पर टिकट भेज देंगी, और आप जितने भी सदस्य बैठे हैं वो ईमानदारी के साथ उसके साथ खड़े रहेंगे, तब मेरा भी। विकास नगर तहसील क्षेत्र के जीवनगढ़ क्षेत्रवासियों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आज जीवनगढ़ में नवजीवन हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन पूर्व विधायक विकास नगर कुलदीप कुमार ने किया। इस मौके पर कुलदीप कुमार ने कहा कि नवजीवन हेल्थ केयर सेंटर क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सुविधा देने में वरदान साबित होगा। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि क्षेत्रवासियों को विकास नगर देहरादून स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसका संचालक हमारे पूर्व प्रधान स्वर्ग पाठक जी ने किया है, और अपना जो नवजीवन हेल्थ सेंटर है, इस लोकल क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मजदूर मरीज पेशेंट रहते हैं जिनको अचानक से किसी न किसी प्राथमिक
चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है उनका निश्चित रूप से सहयोग होगा। और मैं तो कहूँगा कि जीवन दायिनी के लिए ये सेंटर यहाँ पर। भाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के दर्जनों समर्थकों ने पूर्व दर्जा मंत्री के हरमिंदर सिंह लाड़ी अनुयायी में अमर पैलेस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक कर यशपाल आर्या को भाजपुर विधानसभा कर्मभूमि से कांग्रेस हाईकमान से चुनाव लड़ाने की मांग की गई है। जगतार सिंह बाजवा के समर्थकों द्वारा यशपाल आर्या को भाजपुर आगमन पर काले झंडे दिखाने के ऐलान के विरोध में पलटवार भी किया गया। पूर्व दर्जा मंत्री हरमिंदर सिंह लाड़ी ने बैठक में को संबोधित करते हुए कहा कि यशपाल आर्य के 2012 में यहां भाजपुर आने से गुंडागर्दी समाप्त हुई है। जो लोग अपनी गाड़ियों में असलाह लेकर घूमा करते थे उनकी गुंडागर्दी समाप्त कर दी गई है। कल एक रैली जाएगी हल्द्वानी में जिसमें मंत्री के सम्मान के लिए हमारे हरीश रावत जी, प्रभारी यादव जी, प्रीतम सिंह जी, शीर्ष नेताओं द्वारा यशपाल आर्य का स्वागत रखा गया है। और जो आज ये निंदनीय की गई जो कल की घटना हुई वो ये है कि गुंडागर्दी 12 से पहले भाजपुर में क्या थी सब जनता जानती है, पर वो अगर गुंडागर्दी ख़त्म की तो यशपाल आर्य जी ने की। यशपाल आर्य द्वारा उनकी 9.5 साल के शासन में गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं करी, चाहे उनकी अपनों ने कही होगी तब भी उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन मैं इस बात का हम भी निंदा कर रहे हैं बैठे थे, क्योंकि यशपाल आर्य जी मैं आपके प्रेस के द्वारा कहना चाहता हूं कि वो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय दिखाई दे रही कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मीडिया को दिए जाने वाले बयान तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल ऋषिकेश पहुंची गढ़वाल के मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में जितनी चरम पर महंगाई पहुंची है उतनी किसी भी पार्टी के कार्यकाल में नहीं पहुंची। राज्य सरकार के दो मुखिया बदलकर भाजपा ने खुद साबित कर दिया है कि उनके मुख्यमंत्री सरकार को चलाने में नाकाम साबित हुए हैं। हमने कहा कि हम मातृशक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर हमारी जो मैनिफेस्टो की तमाम योजनाएं घोषणाएं होंगी उसका केंद्र बिंदु मातृशक्ति होगी, क्योंकि हमारे समाज की धुरी ही मातृशक्ति है। हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारा युवा दिशाहीन हो रहा है, अवसादग्रस्त हो रहा है, तो हमने वादा किया है कि हम उत्तराखंड को रोजगार के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बनाकर छोड़ेंगे। हमने ये वादा किया है हमारे पंडा पुरोहित समाज से कि बहुत हो गया आपका अपमान, कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही जो पहला काम पहली कलम से करेगी वो है देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने का। हमारे युवाओं में हरिद्वार में मां गंगे ब्लड सेंटर के द्वारा स्वैच्छिक ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि इसमें मुख्य अतिथि अंशुल सिंह आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। ब्लड डोनेट सर्वप्रथम राजस्व निरीक्षक अनुज यादव ने किया। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने कहा कि इस प्रकार का कैंप आयोजन समाज हित में बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में डेंगू का प्रकोप फैल रहा है और जिसमें ब्लड की अधिक आवश्यकता होती है। बहादुराबाद में किसान मेले को लेकर विधायक सुरेश राठौड़ ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि 11 नवंबर को मानुबास में किसान मेले का आयोजन होने जा रहा है। उसको लेकर विधायक सुरेश राठौड़ ने कहा कि हरिद्वार के मानुबास में एक विशाल किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है जिससे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। सुरेश राठौड़ का कहना है कि विधानसभा ज्वालापुर की किसान जनता को हम ये किसान मेला लगाकर जन सुविधाएं से अवगत कराना चाहते हैं और उन्हें सुख सुविधा देना चाह रहे हैं। क्या इनका अधिकार केवल शहरों के लिए है? मेरे ग्रामीण क्षेत्र में भी मेले लगे, मेरी विधानसभा भी विकसित हो, शहरों की तरह हो, वहां पर भी रोशनी हो, वहां के किसान आगे देखे सरकार उनके द्वारा ही है। हम सरकार को जनता के द्वारा लाना चाहते हैं, किसानों के बीच में लाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, मजलूमों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव के अंदर जाकर उनकी सेवा करने का काम कर रही है।
गोपेश्वर नगर क्षेत्र में हल्दा पानी के निचले हिस्से में हो रहे भूस्खलन की समस्या को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हल्दा पानी भूस्खलन क्षेत्र का आईआईटी रुड़की की तकनीकी टीम से जल्द सर्वेक्षण कराया जाएगा। उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारी को निर्देशित किया भूस्खलन क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए 14.39 लाख की धनराशि आज ही सिंचाई विभाग को अवमुक्त करें और सर्वेक्षण टीम को शीघ्र बुलाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हल्दा पानी क्षेत्र में पानी का रिसाव और सीवेज की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने नमामि गंगे हल्दा पानी क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट का कार्य प्राथमिकता पूरी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इसी नवंबर महीने में सीवेज का कार्य पूरा करते हुए जल संस्थान को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। हरिद्वार के मानुबास में एक विशाल किसान मेला 11 नवंबर को लगने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी पधारेंगे और किसान मेले का जायजा लेंगे और साथ ही डीएम हरिद्वार, सीडीओ और एसएसपी हरिद्वार और अन्य अधिकारी भी पहुंचेंगे। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि ये विशाल किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुकानें लगी हुई है और सभी विभागों का प्रदर्शनी भी है। बहुत विशाल कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो एक सप्ताह का हम लोगों का उत्तराखंड महोत्सव चल रहा है उसी की एक कड़ी है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ तैयारी चल रही है और कल सीडीओ साहब ने भी पूरा विधिवत इसका निरीक्षण किया था। कुल मिला के कार्यक्रम यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आगमन होगा, इसके बाद आपने देखा होगा डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, एक तरीके का ये प्रदर्शनी है सभी विभागों की और खासकर कृषि की, जो हमारे हॉर्टिकल्चर के एग्रीकल्चर के जो उत्पाद है, जो प्लांट जो मशीनरी है उनका भी यहाँ पर डिस्प्ले होगा और साथ ही जो हमारे दिव्यांगजन हैं उन्हें कुछ उनसे संबंधित सहायता के उपकरण भी उनको प्रदान किए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आकर जो हमारे लाभार्थी हैं कृषि से जुड़े हुए, स्वामित्व कार्ड से जुड़े हुए, इस तरह के लाभार्थियों को सम्मानित भी करेंगे, ये प्रमाणपत्र भी देंगे। विकासखंड नारायणबगड़ में 5 दिवसीय खंड स्तरीय खेल महाकुंभ का स्थानीय जीआईसी के खेल मैदान में दूसरे दिन भी काफी रौनक रही। सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी छात्र छात्राएं अपने खेल कौशल का दमखम दिखा रहे थे और युवा कल्याण विभाग चमोली के तत्वाधान में आयोजित खेल महाकुंभ में मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र का अनावरण व दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी ने प्रतिभागी छात्र छात्राओं को अनुशासन में रहकर सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने की प्रेरणा दी। मैं कुमारी बिना जी से हूँ और हमने अभी तक 3 टीमों के साथ खेला है, 2 टीमों के साथ जीत गए थे लेकिन तीसरी टीम NBR की टीम नारायणबगड़ थी, उनके साथ हम सेकंड स्थान प्राप्त किया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमसे छोटे हैं वो भी खूब संघर्ष करें और सभी के साथ खुल के खेलें। अगली रैलियों में तो हम ये चाहेंगे कि हम प्रथम स्थान प्राप्त करें। वॉलीबॉल प्रतियोगिता और फरवरी वर्ष गढ़कोट के मध्य खेला जाना है और सेकंड थर्ड जो टीम थी वो नारायणबगड़ स्कूल से थी और हम उनके पर फिर भी कोशिश की कि हम सेकंड निकले नारायणबगड़ स्कूल के सामने। हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको भी सिखाएंगे कि ऐसे खेलना चाहिए और संघर्ष नहीं हारना चाहिए, जितना हो और उससे भी आगे बढ़ो। हम स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो खेल महाकुंभ शासन की तरफ से अभी निर्धारित किया गया है इसे पिछले वर्ष हो जाना चाहिए था लेकिन कोरोना की वजह से ये कुछ देर में हुआ है। 31 अक्टूबर को हमारी न्याय पंचायत में अंडर 14 के खेल प्रतियोगिताएँ संपन्न हो गई थी, उसके उपरांत खंड स्तर पर खेल प्रतियोगिता किए जाने के लिए 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर अंडर 14 के जो बालक बालिकाएँ जिन्होंने न्याय पंचायत से अच्छा प्रतिभा किया है उनकी खेल यहाँ पर संपन्न कराए गए हैं और 10 और 11 नवंबर को अंडर 17 और 21 के बालक बालिकाओं की टीम प्रतियोगिताएं
जी यहाँ पर सबसे पहले तो ये खेल महाकुंभ 2021 का आयोजन हुआ है। ये पहले तो बहुत हर्ष का विषय है कि विगत 2-3 वर्षों से जो कोरोना का जो विकट संकट देश में चल रहा था, तमाम खेल सारे कोई भी खेल गतिविधियां नहीं हुई, बच्चे घरों में कैद थे, और ये जो आयोजन हुआ ये सराहनीय है। हम सभी शारीरिक शिक्षक विकासखंड नारायणबगड़ से इसकी प्रशंसा करते हैं कि आपने ये आयोजन किया, और इस आयोजन में भी तमाम जो आयु वर्ग हैं जिसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21 की जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं, इसमें ट्रैकिंग फील्ड की इवेंट्स हैं और हमारे जो गेम्स हैं खो खो कबड्डी और वॉलीबॉल हैंडबॉल, ये सारे जितने भी इसमें इवेंट्स हैं और ट्रैक एंड फील्ड के सारे इवेंट हैं, ये यहाँ पर आयोजन हो रहा है। का भंडारी है और मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैं विकास का नारायण किया है। हम यहाँ पे इंटरकॉलेज प्राप्त किया है, खेल महाकुंभ खेलने आए हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण हमारी कोई खेल नहीं हो पाया था, क्योंकि कोरोना ने इतना ज्यादा कहर फैला दिया था। इस वर्ष हमें खेलने का मौका मिला। हमने यहाँ पे कबड्डी में प्रतिभाग लिया और हमारी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हम सभी बहुत धन्यवाद करते हैं सभी गुरुजनों और सभी जो हमें गेम्स खिला रहे हैं, थैंक यू। हम यहाँ पे 3 टीमों को हराकर आगे पहुँचे हैं। हमने फाइनल में सेठ सिमली को हराया, जो कि हमारे साथ हम अंडर 17 में खेल रहे थे, थैंक यू। यही बोलना चाहता। 21वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने हल्द्वानी दौरे पर सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचे और राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड महोत्सव में शिरकत की, जहां राज्य के 21वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में उन्होंने जनता का अभिवादन किया। वहीं सेना के जवानों, कराटे खिलाड़ियों और विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी, सेना के अधिकारियों, पर्वतारोहियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सहायता और साहसिक खेलों में प्रतिभाग करने वालों को शॉल उड़ाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश को बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया और साथ में देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ऐसे जो अर्धसैनिक बलों में, सेना में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, देश के लिए सर्वोच्च अपना निछावर किया है, मैं उन सभी को नमन करता हूं। और निश्चित रूप से चूँकि ये हम आज 21वां अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, इस दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और हम वचनबद्ध और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2025 का हमारे सामने विजन रखा है कि 2025 में जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का ये हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा, श्रेष्ठ राज्य होगा, नंबर 1 राज्य होगा, उसके लिए हम कृत संकल्प। पुलिस अधीक्षक टिहरी के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान नरेंद्र नगर विकास खंड के भिन्नू, गधेरा व आगरा खाल के इस अभियान के दौरान नरेंद्र नगर विकास खंड के बिन्नू, गधेरा व आगरा खाल के बीच कार चालक भगत सिंह पवार को वाहन चेकिंग के दौरान 1 किलो 850 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़ा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध धंधा करने वालों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं और उधर क्षेत्र के लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की जमकर प्रशंसा की है। आगरा खास से लगभग 3 किलोमीटर आगे वहाँ पे अभियान चेकिंग चलाई जा रही थी, इसी दौरान ऋषिकेश की तरफ से एक टाटा योद्धा आते हुए दिखाई दिया, तो उसे रोका गया और उसको जो है उसकी उसको चेक किया गया, उनकी तलाशी ली गई, तो उसमें से जो है एक व्यक्ति के पास से लगभग 1 किलो 850 ग्राम जो है अवैध चरस मिली है, जिसकी स्थानीय मार्केट में जिसकी कीमत है लगभग 2,10,000 रुपये, 10,000 लगभग 2,00,000। पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद नैन नगर, आज पुलिस के द्वारा जो 10 पर छापा मार कर पकड़ा गया, यहाँ पर जो कार्रवाई पुलिस कर रही है वो बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आने वाले जो हमारे भविष्य बच्चों का भविष्य नैन नगर में बड़ा ड्रग्स मामले में लिप्त हो रहा था, वो आज इस तरह की कार्रवाई पुलिस करते रहे, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।